क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज़ का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और इंडियन रेलवेज़ में पर डे के हिसाब से 13,500 से भी ऊपर ट्रेनें चलती हैं। लेकिन ये ट्रेनें चलती किस पे हैं? ये ट्रेन चलती हैं ट्रैक्स। वैसे ट्रैक्स को इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में रेल्स बोला जाता है। और रेल्स किससे बनती है? आयरन से। और पूरा रेल मेकिंग जो प्रोसेस है वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट इंडिया का या यूँ कहूँ तो वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट्स में से एक है। 5th February 1959 एक ऐतिहासिक दिन। यही वो दिन था जब भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस नंबर 1 में पहला आयरन प्रोड्यूस किया गया था। उस जमाने में चीज़ें थोड़ी टफ थी क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह किसी सामान को ले जाने में काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन आज इस प्लांट को 50 साल से भी ऊपर रख चुका है और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू भिलाई स्टील प्लांट में आप सबका स्वागत है। सो हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम स्वागत है बंदा आपकी खिदमत में। और आज का माहौल कुछ ऐसा है। हीट महसूस हो रहा है कि नहीं अभी? बहुत तेज भाई। और सीधा अभी पूरा हेलमेट के अंदर 11,000 डिग्री हाँ टेम्परेचर है। बिफोर एंटरिंग इनटू भिलाई स्टील प्लांट जो इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर कर देना। चूँकि यहाँ स्टील की बात हो रही है तो मैं बता दूँ स्टील बनता है आयरन से और आयरन के दो मेन सोर्सेस रहते हैं, एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। ज़मीन से निकालने के बाद इन ओर्स को क्रश करते हैं, उसके बाद अच्छे से धुलाई करते हैं ताकि सारे इम्प्योरिटीज़ निकल जाएँ। उसके बाद जाते हैं हम ब्लास्ट फर्नेस की ओर जहाँ पे इनमें से आयरन निकाला जाता है। पुले से सारे ओर्स को ब्लास्ट फर्नेस के टॉप पे लेके जा रहे हैं। वैसे इन पुलेज में रोस्टेड आयरन ओर के साथ साथ कोक और लाइमस्टोन भी होता है। कोक जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है, लाइमस्टोन जो कि एक फ्लक्स की तरह काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद इसे हॉट एयर से पास कराया जाता है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड उसके बाद हमारा आयरन तैयार हो जाता है जिसे पीक आयरन भी कहा जाता है। एनिमेशन में ब्लास्ट फर्नेस कुछ अलग ही दिख रहा है एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो था मेरा ब्लास्ट फर्नेस का वो अलग ही था क्योंकि उसके अंदर का एटमोसफेयर, उसके अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि मैं आग के करीब भी जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि स्किन पूरा जल जाएगा। चीज़ें बन तो रही हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी? भिलाई स्टील प्लांट के मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं ट्रक्स एंड ट्रेन्स। ट्रेन्स जो कि मुझे यहाँ के काफ़ी यूनिक लगे क्योंकि अलग अलग टाइप के इंजन्स हैं एंड अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंजन्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्रॉसिंग पे कोई भी फाटक नहीं लगा रहता है एंड स्पेशली यहाँ पे जो असिस्टेंट ड्राइवर रहता है वो उतर के सबको स्टॉप करता है, उसके बाद ही लोग आगे जा सकते हैं। स्ट्रेंज ना। अब यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस की बात हो ही रही थी तो ब्लास्ट फर्नेस में इतनी हीट आती कहाँ से? वो आती है कोक से। कोक कोल का ही एक विकसित रूप रहता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन इसके फायदे ये हैं कि कोल इज़ बेटर देन कोल इन टर्म्स ऑफ हीटिंग। जानने वाली खास बात यहाँ पे ये है कि कोक जो रहता है वो कोल को ही हीट करके प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी कोक ओवन में। हीट महसूस हो रहा है कि नहीं अभी? बहुत तेज भाई। और सीधा अभी पूरा हेलमेट के अंदर बात रहे 11,000 डिग्री। गरम कोक का जो स्टीम है उसे देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। लुक एट द स्टीम, कितना ज़्यादा। ये स्टीम बहुत दूर से यानी कि टाउनशिप से ही दिखता है हमें कि स्टील पैन में व्हाइट कलर का ये धुआं निकल क्या रहा है, एक्चुअली वो स्टीम रहता है। अब पिग आयरन या यूँ कहूँ तो मोल्टेन आयरन का नेक्स्ट प्रोसेस होता है कन्वर्टर में। यूँ कहूँ तो मैं एक मटके के शेप का एक बड़ा सा वेसल रहता है जिसमें मेटल स्ट्रैप्स के साथ साथ आयरन डाला जाता है और ऑक्सीजन को बहुत स्पीड से ब्लो किया जाता है जिसमें मोल्टेन आयरन बन चुका रहता है, मोल्टेन स्टील। ये सारा प्रोसेस उस जगह होता है जिसको कन्वर्टर बोला जाता है। जब इस वेसल में ऑक्सीजन सप्लाई होता है तब बहुत सारी चिंगारी भी निकलती है जो कि एनिमेशन में उतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जब मैं इसको दिखाता हूँ
तब आप सबको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा उसके आसपास का टेम्परेचर रहता है एंड कितनी ज़्यादा चिंगारी निकलती है। टाइमिंग दिया है, इस टाइम में ये टेम्परेचर दिया हुआ है, वही टेम्परेचर लगा है अभी 1642 में इसका टेम्परेचर, हाँ मतलब अंदर का यूँ कहूँ तो ये जो एरिया रहता है ये काफ़ी डेंजरस है फॉर वर्कर्स। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी मेजर्स को देख के काम किया जाता है। इस वेसल में जितने भी मटेरियल्स रहते हैं इसे बहुत बार टर्न किया जाता है एंड देन फर्स्ट टाइम पे स्लैग निकलता है एंड सेकेंड टाइम पे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत रहती है वो निकलता है, यानी कि स्टील। जो एनिमेशन को आप सबने पहले देखा वो एनिमेशन इस रियल लाइफ फुटेज से पूरे पूरे सिमिलर है एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेटल स्टेप्स को उसी सेम कंटेनर में ले जाके फिर वेसल में डाला जाता है एंड सारा प्रोसेस जो होता है ये काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन से होता है एंड जो कि एक्चुअली ऑपरेटेड बाई मैन ही रहते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसेस ख़त्म होता है और स्टील मिल जाता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं बिल्कुल गलत हूँ, क्योंकि जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा सानना होता है ठीक वैसे ही ट्रेल्स बनाने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ आटा सानने जितना ही काम हुआ है, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ स्टील मॉल्टन स्टेट में ही है। हमें इसे कास्टिंग करना पड़ेगा एंड देन ये 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, ब्लूम्स, बिलेट्स एंड स्लैब्स। अभी जिस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे थे यानी कि रेल्स, वो ब्लूम से बनते हैं, तो हम फोकस करेंगे ब्लूम्स पे। जो चीज़ आप फुटेज में देख रहे हैं अभी वो एक बिलेट है, वैसे ही ब्लूम्स भी बनते हैं एंड वैसे ही स्लैब्स भी बनते हैं आफ्टर कास्टिंग, क्योंकि इसे कहा जाता है सेमी फर्निस कास्टर रेल मिल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल मिल है। सुन के चौंक गए ना, हमारे छत्तीसगढ़ में इतना कुछ है, मैं भी चौंक गया था। इसी को जानने के लिए मैं URM के अंदर जाना पसंद किया। जिस ब्लूम की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये वही ब्लूम है जिसे कोई भी मिल में जाने के बाद रीहीट करते हैं ताकि उसको मनचाहा शेप दिया जा सके। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इस URM में यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल मिल तो है ही, साथ ही साथ पहले रेल्स प्रोड्यूस होने के बाद इसे ठंडा किया जाता है, उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं भारतीय रेल लाइन बनने के लिए, या यूँ कहूँ तो भारतीय लाइफ लाइन बनने के लिए। लेकिन ज़रा रुकिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बताना ही भूल गया, भिलाई स्टील प्लांट स्टील सिर्फ उसे भारत को ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ को स्टील एक्सपोर्ट करती है। हाल ही में मई 2020 में ही चाइना को 30,000 टन कास्ट स्लैब्स एक्सपोर्ट किया गया था। स्लैब्स वही बिलेट्स और ब्लूम्स के कैटेगरी में आते हैं। स्लैब्स से वैसी चपटी चीज़ें बनती हैं जैसे कि प्लेट्स, कॉयल्स, शीट्स। वैसे तो स्लैब्स कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटे को बेलना पड़ता है, वैसे ही शीट बनाने के लिए स्लैब्स को भी बेलना पड़ता है। काफ़ी बेलने के बाद स्लैब्स शीट्स में बदल जाते हैं और कुछ ऐसे दिखते हैं। क्यों थी ना ये इंटरेस्टिंग चीज़? आसान भाषा में कहूँ तो फाइनल प्रोडक्ट्स बनने के बाद इन चादरों को बिछाया जाता है ठंडा होने के लिए, ताकि ये आगे फर्दर सप्लाई हो सके और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टील प्लेट जो कि बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि बना था 29/3/1983 में। यही नहीं, खास बात जानने वाली यहाँ पर यह है कि INS विक्रांत जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसमें भी भिलाई स्टील प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इन द एंड आई वुड लाइक टू सैल्यूट ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ भिलाई स्टील प्लांट जो कि दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि जब लॉकडाउन में यानी कि जब पूरा देश बंद था, तब स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और इन्होंने अपने प्रोडक्शन रेट को डबल कर दिया। जब भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही लार्ज अमाउंट में रेल्स प्रोड्यूस कर चुका था और एक इतिहास भी बन चुका था, उसी इतिहास की याद में एक चौक भी बनाया गया जिसे रेल चौक, या आम भाषा में यहाँ के लोग इसे ग्लोब चौक के नाम से भी जानते हैं। इस चौक का इतिहास कहता है कि भिलाई स्टील प्लांट अब तक इतना रेल प्रोड्यूस कर चुका है कि पूरी दुनिया को 7 बार कवर कर सकता है
और वैसे तो ये चौक बहुत ही पुराना है, अब न जाने कितने रेल्स बन चुके होंगे और कितनी बार दुनिया कवर हो चुकी होगी। अलविदा शुक्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज असिकम ब्लॉग्स एंड सी यू अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, दोज वांट टू द चैनल कैन सब्सक्राइब।